इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमारी गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है कि जितना भी हमारा यूथ है, जितना भी हमारा यूथ आर्मी में जाना चाहता है, कोई भी बेल्ट फोर्स में अगर जाना चाहता है, तो उसका होता था कि जीडी की भर्ती होती थी और बीआरओ की भर्ती होती थी, तो उसमें वो 17 साल सिपाही वो जो है वो पेंशन आता था और उसके बाद उसको डीएससी की नौकरी भी मिल जाती थी दोबारा। उन्होंने ये एक मजाक कर दिया यूथ के साथ कि पहले तो यूथ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद वो 4 साल के लिए सर्विस करेगा, जो कि 4 साल की सर्विस कौन सी सर्विस है, आर्मी में जाएगा वो। और आर्मी हमारे देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, अगर आज देश हमारा कहीं ना कहीं सुरक्षित है तो वो आर्मी की वजह से है, और अगर आर्मी की वजह से है तो वो अगर यूथ अगर आर्मी में जाता है तो आर्मी पूरी आर्मी जो फोर्स है वो तैयार होती है। इस अग्निवीर की जो पॉलिसी है इसमें क्या क्या खामियां पाई गई है आपकी तरफ से? देखिए, अग्निवीर में उन्होंने बताया है कि हमारा यूथ 4 साल के लिए भर्ती होगा, 6 महीने के लिए तो ट्रेनिंग होगी, पहले ट्रेनिंग होती थी 9 महीने के लिए, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 4 साल की सर्विस में 25% वो लेंगे, अगर 1 लाख फौज है हमारी उसमें से 25,000 रख लेंगे और 75,000 वापस भेज देंगे। जो हमारी फौज वापस आएगी उनके जो घर वाले हैं, जो लोग हैं, वो उनको कहेंगे कि आप तो नलायक हो भाई, आप तो वहाँ पास ही नहीं हुए। वो 75,000 फौज जो 75% जो वापस आएगी वो जहाँ आके करेगी क्या? 4 साल में एक इंसान खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो देश को क्या संभालेगा? क्योंकि 4 साल में कोई भी सर्विस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, 4 साल में एक बंदा सिर्फ सीखता है और 4 साल के सीखने के बाद उसको वापस भेज देंगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा? ये जो स्कीम दी है जो दरअसल गलत है, इसमें हमारे लोगों के लिए जो हमारे यूथ है, ये यूथ हमारा सीधा सीधा आपने देखा कि यूपी में उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो ये जो यूथ है हमारा, कल की जो 4 साल के बाद आएगा 10 लाख या 12 लाख लेके आएगा, वो 12 लाख की कीमत 4 साल के बाद आप बताओ कि वो कीमत 3-4 लाख के बराबर होगी। कल को किसी भाई ने अगर अपनी बेटी की शादी भी करनी है तो वो भी 10 बार सोचेगा कि जो 4 साल वाला फौजी है, ये 17 साल वाला नहीं है। क्योंकि फौज में क्या होता है, जब 10 साल में वो सिपाही बनता है और 10 साल के बाद वो लैसने के बाद वो नाइक बनता है, नाइक होल्डर बनता है। ये सारा सिस्टम जो बना हुआ है, वो पागल नहीं थे हमारे लोग, जो पुराने लोग थे, जो पुराने बुजुर्ग थे, जिन्होंने ये आर्मी का सिस्टम बनाया था, वो पागल नहीं थे। इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया कि हर चीज बेच दी, लास्ट में जो आर्मी बची है मैं कहता हूँ कि इनका भी इन्होंने सौदा कर दिया है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है।